ये तुमने क्या कह रहा है? वो ये सब जा रही है ऊपर स्वर्ग में जा रही हूँ, ये जो कमेंट कर रहे थे लोग। कितना बढ़िया गाना है ये, राधे राधे। What's up everyone? Welcome to the most musty YouTube channel. Welcome to... No yaar, mummy no. Aaj to bhai, bhai aaya pura josh mein. आज भाई पूरे इनके स्क्रीन फोड़ देनी है मेरे को, क्योंकि गाइस आज होने वाली ब्लॉकबस्टर रिएक्शन वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल क्या है? 13 मिनट्स राधा कृष्ण जर्नी। 200 से ज्यादा कमेंट, लोगों को चाहिए 30 मिनट जर्नी। तो आज गाइस हम ले आए हैं, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी गाइस, थोड़ी सी मेरी एक हेल्प कर दो। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज नीचे जाके सब्सक्राइब कर दो, एंड 10,000 सब्सक्राइबर्स का गोल रखो गाइस, जल्दी से पहुंचा दो। क्योंकि मम्मी 10,000 सब्सक्राइबर जो हमने प्लानिंग करी है इनके लिए एक सरप्राइज है, वो वाला गाइस 10,000 सब्सक्राइबर्स के दिन ही आएगा। जल्दी से मेरे चैनल को पहुंचा दो गाइस, आपने अभी तक जितना सपोर्ट दिखाया उसके लिए थैंक यू सो मच, वरना तो बस समझ जाओ बस क्या है मेरे हाथ में। 13 मिनट्स बहुत लंबी वीडियो होने वाली है आज की मम्मी। एंड मम्मी आज मुझे पता चल जाएगा ऐसा है क्या जो लोगों को इतना पसंद है। राधा के कर्श से और बांसुरी का संगीत, राधा के स्पर्श से, ये प्रेम नहीं है ये माया है। माया कृष्ण मेरी स्मृति में और स्मृति से बढ़कर कुछ भी नहीं। बस मैं श्री कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूली रहोगी और दो लोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी। मिलन गोलोक में ली गई राधा की शपथ का अंत नहीं, बल्कि इस धरती की सबसे बड़ी प्रेम कहानी का आरंभ था। मन में हलचल मचा देता है। क्रोध और भय दोनों ही बहुत हानिकारक है, इनसे दूर ही रहे। ये नहीं मिलेगी राधा, भय को भगाने के लिए उसका सामना करना पड़ता है। तो इसका अर्थ ये है कि मैं ना रहूं तो तुम्हें भय से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, तुम ही मेरे भय का कारण हो। तो तुम मुझे अपने भय पर विजय प्राप्त करवाना चाहते थे और मैं तुम्हें ही अपना भय समझ बैठी। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा, शाम रंग में रंगी राधिका आज हुई मदवारी, कृष्ण कृष्ण दोहराए हर बोल। नहीं, मैं राधा से प्रेम नहीं करता। यदि कल कोई और आके तुम्हारे लिए यही सब करे तो क्या तुम उससे भी प्रेम करोगे? यदि हाँ तो ये प्रेम नहीं, ये मोह है। जो कुछ भी तुमने किया वो प्रेम नहीं था तो क्या था? मुझे भय मुक्त करने के लिए तुम उस विशाल सर्प के मुंह में चले गए, क्या वो प्रेम नहीं था? स्वयं भूखा रहकर अपने हाथों से मेरे लिए मीठी खीर बनाई, क्या वो प्रीत नहीं थी?
मेरे लिए उस बैल के वध का महापाप करके मेरे लिए वो पुष्प लाया जो मुझे चाहिए था। क्या वो प्रेम नहीं था? लिखा भी हुआ है फाइनल रियलाइजर। कहाँ हो तुम कृष्ण? मुझे तुमसे मिलना है। तुम बहुत विशेष हो कृष्ण, तुम्हारे जैसी बांसुरी इस संसार में कोई नहीं बजा सकता। मेरे लिए कुछ बजाओ ना कृष्ण। मैं आपके लिए बांसुरी अवश्य बजाऊंगा चंद्रावली जी। प्रेम को पाना प्रेम नहीं, विश्वास है असली प्रीत। जो ईर्ष्या में बंधी हो राधा, तो कैसे होए प्रेम की जीत। कृष्ण, तुम सही थे, जो मैंने किया वो अनुचित था। ईर्ष्या ने मेरी बुद्धि हार ली थी, किंतु अब अब उससे मुक्त होकर मैं सब कुछ समझ गई हूँ और आज इस पश्चाताप की अग्नि में जल रही हूँ। आश्चर्य है गाना, इतनी प्रसन्नता की घड़ी में राधा ने तुम्हें अनदेखा क्यों किया? जाओ, अहंकार जब मनुष्य पर छा जाता है उसे कहाँ कुछ नजर आता। अब करुणा का भाव ही राधा के अहंकार का अंत। मेरे कारण तुम्हें किस यातना को भोगना पड़ रहा है? उसने मुझे भयमुक्त किया, उसने मुझे मोह से मुक्त किया, मुझे क्रोध मुक्त किया, मुझे ईर्ष्या से मुक्त किया और अंततः मुझे अहंकार से मुक्त किया। किसी और के संबंध की परिभाषा चाहे जो, किंतु कृष्ण और मेरे प्रेम के इस मधुर संबंध में कृष्ण सदैव सही निकला है और मैं गर्व। एक बार पुनः भय मुक्त हुई मेरी राधा, पुनः एक बार मोह मुक्त हुई मेरी राधा, एक बार पुनः क्रोध मुक्त हुई मेरी राधा, ईर्ष्या मुक्त हुई मेरी राधा, अहंकार मुक्त हुई राधा। राधे 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 भाई, ये कहाँ हो रही, क्या हो रहा है? ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता, विवाह करना चाहता, विवाह करना। स्वर्ग में कहा है ना, दे बोथ आवर फैमिलीज गेव अप्रूवल, सबकी मान के यार। बट चलो पहले देख लेते हैं। अच्छा जी, शादी क्या हो रहा है? सेरेमनी आप मेरे को
उन्होंने कहा है कि मैं राधा का विवाह कृष्ण से करवाऊंगा, उनके पुत्र इनके साथ करवा दू। राधा की मम्मी पापा राधा डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस लव, पापा मना कर रहे हैं राधा के कि मत करो उससे, तो इन्होंने कहा ठीक है मत करो। नहीं सब तो ठीक नहीं, सब जानता हूँ। विवाह बंधन के बिना ही ये प्रेम अमर हो जाएगा। प्रेम का असली अर्थ समर्पण है, जग को अब समझ में आएगा। राधा देख प्रेम की ऐसी लीला, सारी सृष्टि स्तंभ होगी, क्योंकि राधा कृष्ण की असली प्रेम गाथा अब यहीं से आरंभ होगी। रुक जाओ राधा, यदि कृष्ण की ओर तुमने एक कदम भी और बढ़ाया, रुक जाओ तो तुम संसार में आजीवन अपवित्र कहलाओगी, पवित्र कहलाओगी। रुक जाओ, रुक जाओ। ओए चल पड़ी, जा रही है भाई किशन जी। ये तुमने क्या कह रहा था? प्रेम, मेरी प्रेम की बल्कि किशन जी ने कहा था कि तुम कर लो किस जिससे हाँ। तुम्हारे फादर कह रहे हैं पापा, बट राधा ने कहा ये है उनका प्रेम, प्रेम। और राधा और किशन एक साथ कहीं चले गए हैं और एंड सीन ये आया भाई किशन जी उनकी शादी करवा रहे हैं, ऐसा हाँ। वीडियो में दिखाया है कि किशन जी नहीं, ओ सॉरी शिव जी, सॉरी शिव पार्वती, किशन जी का सीन दिखाया है जब शादी हो रही है कि शिव जी और वो उनके साथ खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो उन्होंने कराया विवाह उनका। तो भाई अब आप बताओ गाइस, वीडियो तो मैंने देख लिया है, मेरे को पूरी अच्छी लगी स्टोरी यार, मेरे लगी जिस हिसाब से लोग कह रहे थे फेक हो या जो भी, मैं तो कहूंगा मम्मी, मैं तो मम्मी देखो सिंपल सी बात, मैं तो ये कहूंगा चाहे फेक हो चाहे रियल हो सिंपल सी बात, बट अच्छा लग रहा है देख के ना, जो भी सीन्स इसमें दिखाए हैं अच्छे लग रहे हैं। एंड यार हम फेक ये सब चीजें क्यों बोल रहे हैं यार, एंड में तो भाई किशन जी का ही सीरियल है ना, तो अच्छे से इसको एंजॉय करो
करो एंड हमने गाइस 30 मिनट जर्नी पूरी एंजॉय करी है। मेरे को अभी भी एक चीज बताओ गाइस, कमेंट में आपने वैसे बता चुके हो कि ब्रह्मा विदा था, ब्रह्मा विदा या शिव जी विदा? ब्रह्मा का लिखा था। तो आपने गाइस ब्रह्मा विदा ब्रह्मा विवाह कहा है, बट ब्रह्मा जी इसमें दिख नहीं रहे हैं, शिव जी तो दिखे हैं मेरे को, तो शायद उन्होंने शादी करवाई थी इनकी, तो काफी अच्छी बात है यार अगर उनकी शादी हो गई है। बट स्टिल जो भी है गाइस, मेरे को अभी भी मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन है, इनकी रियलिटी में तो शादी नहीं हुई थी बट इसमें सीरियल में दिखाई है, तो गाइस हम मान लेते हैं, चलो कोई ऐसा इशू नहीं है, कई सबके अलग स्टोरी होती है बनाने का स्टाइल। चलो जो भी है गाइस, मैंने आपका प्रॉमिस रख रहा है, बस आप मेरा एक छोटा सा मेरे मतलब एक छोटी सी हेल्प कर दो गाइस, वीडियो फिर एंड करते हैं, मेरे चैनल को गाइस प्लीज 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं एक आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज मैंने प्लान करा हुआ है, तो वो 10,000 सब्सक्राइबर्स पे आएगा। अपने सारे दोस्तों को बोल दो, अपने सारी फैमिली सब सारे घर वाले सब जितने फोन है ना सबसे सब्सक्राइब कर दो गाइस, एंड मतलब थोड़ी सी यार नहीं सुन ही सकते हैं अगर मैं उनकी सुन के 30 मिनट्स वीडियो को रिएक्ट करा, तो गाइस प्लीज ये वाली हेल्प मेरी कर देना। जो भी आप करते हैं इस वीडियो को एंड, वीडियो में बहुत ज्यादा अच्छी लगी, फेक हो या रियल हो गाइस उतना इससे मैटर नहीं करता गाइस, वीडियो बहुत ही अच्छी लगी मेरे को, मतलब मेरे को इस वीडियो में सबसे अच्छा सीन तो मेरे को म्यूजिक लगा इनका, जो म्यूजिक यूज करा है इनमें और जो विवाह दिखाया है इनका। अच्छा मेन आपको हाँ, मतलब उनकी शादी अच्छी लगी, शादी अच्छी लगी, तो गाइज मम्मी को उनकी शादी अच्छी लगी, मेरे को दो तीन म्यूजिक अच्छे लगे हैं इसके, तो मम्मी करते हैं इस वीडियो को एंड, बहुत ज्यादा लंबी हो गई होगी भाई, बस चेक करना कितने मिनट हो चुके हैं अभी तक, मेरे हिसाब से 15 मिनट हो चुके हैं, ज्यादा ही हो सकते हैं। तो जो भी है गाइज, मिलता हूँ आप सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इनको भी व्लॉगिंग का बताया था गाइज, व्लॉगिंग तो हमारा भाई ऐसी करता है ना, आज मैं व्लॉगिंग करके आया था, तो इस वीडियो को आज हम व्लॉगिंग स्टाइल में एंड करेंगे, एंड मिलता हूँ आप सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड विद दैट सेड एज ऑलवेज यू नो इट गाइज, यल्ला योलो एंड ऑल्सो राधे राधे, बाय बाय।